नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय रक्षा दल द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में झंडारोहण के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। भारतीय रक्षा दल के साथी मोहम्मद अफजल ने बताया कि पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम भारतीय रक्षा दल के साथियों द्वारा नगर के कई स्थानों पर रखा गया था। कोरोना को देखते हुए ध्वजारोहण के कार्यक्रम को वहाँ के लोकल साथियों द्वारा सम्पन्न कराया गया। भारतीय रक्षा दल नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाइयां दी और आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह आजादी हमें बहुत खून और बलिदानों को देने के बाद मिली है। आज उन्हें करके हम उन बलिदानियों पर गर्व होता है जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें अपने हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। भारत रक्षा दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि आज जिनकी वजह से हम सभी खुले वातावरण में जी रहे हैं उन शहीदों के बलिदान का परिणाम है। आज उन शहीदों के नाम पर एक दिया अपने घरों पर जरूर जलाएं और इस स्वतंत्रता दिवस को रोशनी के पर्व के रूप में मनाएं। आज का झंडारोहण का कार्यक्रम कटरा कार्यालय पर भारत रक्षा दल के साथी मोहम्मद अफजल, पांडे बाजार में गणेश एवं ओम प्रकाश पुरानी कोतवाली पर अमित वर्मा एवं विकास जायसवाल और सिविल लाइन में दीपक जायसवाल के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। परिचय देते हुए आज स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता, मैं मोहम्मद अफजल, भारत रक्षा दल कोर कमेटी का सदस्य हूँ। मैं आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पे पावन पर्व पर हर नगर वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज झंडारोहण का कार्यक्रम कटरा कार्यालय, पांडे बाजार, सिविल लाइन और उसके बाद पौधारोपण हम लोगों ने किया। अभी कलेक्ट्रेट के सामने पौधारोपण किया और लोगों जन्मदिन पे बधाइयाँ भी दियाँ। स्वतंत्रता दिवस ढेर सारी शुभकामनाएँ और इस स्वतंत्रता दिवस पे, 74वां स्वतंत्रता दिवस पे हमारे देशवासियों को, हमारे जो अमर शहीद हुए हैं उनको, बलिदान को उनको नमन करते हुए, हमारे जो बलिदान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज इस बधाई और जनता को मैं बधाई संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छा काम करिए, अति उन्नति काम करिए, देश के लिए कुछ अच्छा सोचिए। कुछ स्वच्छता अभियान के बारे में, पर्यावरण के है, एक पौधा जरूर हर एक व्यक्ति अपने घर के पास, सहन के पास, मोहल्ले में कहीं जहां मिलती एक पौधा आप जरूर लगाएं। और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। माता की।